हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं ये क्या कर रही हूँ आपको फुल वीडियो में पता चलेगा, बिना स्किप किए मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज की शुरुआत कैसी है सुबह की। गुड मॉर्निंग, मेरी सिस्टर आई हुई है और इसकी प्यारी ये कितनी प्यारी है चारू हार्वी। और ये है प्यारा सा मेरा भांजा, जो देखो कितना छोटू सा बना हुआ है मम्मी की गोदी में बैठे हुए। रोने लगा मेरा बच्चा, पार्ट ना हटा रहा अपनी गोदी में थे लाडू। और ये पार्ट उसको खिला रहा है, बोल रहा है मैं ही इसको खिलाऊंगा। जब घर दीदी या भुआ जी आती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उससे भी ज़्यादा खुशी होती है उनके बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ ऐसे ही मस्ती की हमने मॉर्निंग में होती है। तो बस वही काम करके आई हूँ और मैं जा रही हूँ छत पे। ये मेरा बैग, इसमें नोटबुक्स हैं जो रात को मैंने स्टडी की थी। अभी मैं इसको इस रूम में रखने आई हूँ। आपको तो पता ही होगा मेरा रूटीन, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में बता भी चुकी हूँ आपको कि शाम को और इवनिंग में मुझे सुबह सुबह और मॉर्निंग में स्टडी करना होता है। तो अपनी बुक्स वगैरह वहीं अपने बेड पर ले जाती हूँ। देन अभी मैं आई हूँ कुछ काम करके, अब जा रही हूँ छत पे। मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है, उनके बच्चों के साथ खेलते खेलते पता ही नहीं चला, देखिए 9 बज गए। और पर फिर भी 9 बजे समथिंग में ठंड के मौसम में ये भी सुबह ही सुबह लग रही है एकदम। मतलब गर्म पानी ले लेती हूँ, ठंडे पानी से नहीं नहाती। और मेरी सिस्टर की बेबी रो रही है, उसका साउंड सुनाई दे रहा है। तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना बच्चों की शोर शराबे में। कोई बात नहीं, सब लोग एक साथ जुट गए थे और ऐसे बैठे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और ये मेरा मतलब इस रूम में जो बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये वाला रूम है जिसमें मैं बुक्स वगैरह अपनी रखती हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए छत पे, गर्म पानी करूँगी, उसके बाद नहा के पूजा करने आऊँगी। वैसे मैंने अब मैं जा रही हूँ छत पे नहाने के लिए, तो साथ में ये दूध और सूजी का हलवा बनाया था, मम्मी छत पे ही थी तो मैंने कहा चलो उनके लिए लेके चलती हूँ। तो मेरी सिस्टर मेरी वीडियो बनाने लगी, बोली चल मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ, चलो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो उन्होंने बोला, और मैं जा रही थी ऐसी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी हो रही थी सुबह सुबह, मतलब लेट ना हो जाऊँ, नहाना है ना मुझे, नहा कर फिर पूजा करनी है। तो वो मेरे पीछे पीछे थी, मैं आगे आगे चल रही थी। इस तरीके से जब भी मुझे कोई सामान लेके जाना होता है तो ऐसे ही एक एक करके स्टेप बाई स्टेप लेके जाती हूँ, क्योंकि फैलने का डर रहता है ना, कहीं फैल ना जाए दूध मेरे हाथ से चलने के। तो छत पर मैं पहुँच गई हूँ, आती हूँ, मिलती हूँ नहाने के बाद। तो मैं नहा ली थी, नहाने के बाद अपने सॉक्स पहन ली थी। ठंड का मौसम आ गया तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए सॉक्स ज़रूरी होते हैं, पैरों को ठंडा फील होता है ना बहुत ज़्यादा, इससे सर्दी भी हो सकती है। तो ये गोली खेल रहा था सिस्टर का बेटा, मेरा भांजा, मेरा क्यूट सा भांजा, बहुत क्यूट क्यूट बातें करता है पार्ट के जैसे ही। मैंने सॉक्स पहन लिए थे और सिस्टम वीडियो बना रही थी, बोली थी दीदी आप चलो जो भी वर्क करोगे मैं वीडियो बनाऊंगी। सच में आप बहुत मेहनत करते हो, अपने आप ही ऐसे मेहनत करके वीडियो बनाते हो, उनको अच्छी लग, उसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, बोलती है कि नहीं सच में दीदी आप बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हो। मैंने कहा थैंक यू, वो हेल्प कर रही थी, अकेले करना थोड़ा मुश्किल होता है बट कोई नहीं। अब मैं जा रही थी नीचे और आप सबसे भी प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़रा भी आप ये ना फील कराए मुझे कि मतलब बेचारी जगह फील ना कराए, मेरा बल्ब है अब भगवान ने जैसा बनाया है, मैं सब कुछ अपने आप करने की कोशिश करती हूँ और हैंडल भी कर लेती हूँ। बस मेरे को गॉड से यही प्रेयर है कि मुझे इतनी हिम्मत देते रहें और सारे काम मैं खुद से हैंडल करती रहूँ इस तरीके से ही। अब ठीक है, अब जो भी है मैं खुश हूँ, ठीक हूँ। बस मैं मेरे अंदर बस ये फीलिंग आती है, बस मुझे इतना सा ही चाहिए भगवान से कि बस वो मुझे इतने काबिल रखें कि मैं सारे काम खुद से कर सकूं और थोड़ा आत्मनिर्भर बन जाऊं। तो अब मैं नीचे आ गई थी, तो मैं नीचे पहुंच गई थी, ये घंटी थी पूजा की जिसमें पानी लेना था मुझे, ये साफ़ करने के लिए मैं राख का डिब्बा ढूंढ रही थी, क्योंकि मम्मी और पापा हमेशा पूजा करने से पहले इस बर्तन को साफ़ करते हैं राख से। अब मुझे मिल नहीं रहा था, मैं भाभी को आवाज़ लगा रही थी तो उन्होंने बताया वही रखा है आप देख लीजिए, तो मुझे मिल गया था। फिर मैंने इसको साफ़ किया अच्छे से पानी से एकदम ढंग से, और ये भाभी ने सॉन्ग चला रखे थे, भजन चला रखे थे, तो उनकी धुन पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, बहुत अच्छी भक्ति एकदम फील हो रही थी। बिकॉज मैं इसको शो नहीं करा रही थी क्योंकि वीडियोस में पता नहीं क्यों कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इस तरीके से, तो मैंने इसको म्यूट कर दिया था और मैं एडिट कर रही थी अपनी वॉइस।
तो घंटी साफ करके फिर मैं इसमें पानी भर लूंगी पूजा के लिए, क्योंकि सूर्य को भी जल अर्पण करना होता है और तुलसी जी को भी मुझे पानी देना होता है। मॉर्निंग में मंदिर की भी सफाई करनी होती है इसी पानी से, तो इस पानी को मैं भर के लेके जाऊंगी। वैसे तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में पूजा नहीं करती, लेकिन कभी भी मेरा व्रत होता है तो मैं इस तरीके से पूजा करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, बिकॉज कभी कभी क्या है, कभी कभी क्या है कि कोई तो अलग बात है, जब भी कोई गेस्ट भी आ जाता है या मेरे घर पे दादी खुद होती है, कुछ भी ऐसे मैं काम करती हूँ तो ऐसे मुझे बेचारी जैसा फील करा देती है कि इस बेचारी को ऐसे करना पड़ता है। बट नहीं, अब ठीक है, जो हो गया ठीक है, मुझे ऐसे फील नहीं कराया जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि मैं कोशिश हर हाल में यही करती हूँ कि सारे, और मुझे खुशी मिलती है हर काम को करने में, मैं कर लेती हूँ। अब मुझे एडजस्ट हो गई हूँ मैं इसी तरीके से, मैं ढल गई हूँ हर काम को, मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे स्लोली स्लोली रूम में जाती हूँ, स्लीपर ये मैं बाहर आउटसाइड ही निकाल दूँगी आराम से, क्योंकि इस पैर में तो अपने आप नहीं निकल सकता, दूसरे पैर में मैं आसानी से निकाल लेती हूँ। देन क्या हुआ, मेरे पास एक हाथ की लकड़ी रहती है जिसके सहारे से सपोर्ट से मेरा हाथ गंदा नहीं होता, बट पता नहीं वो कहाँ खो गई। मैंने पूरे घर में खूब अच्छे से घूम ढूंढ लिया, वो मिल नहीं रही, मैं एक और बनवाऊँगी उसके जैसी। फिलहाल मैं अपने पैर पर अपने हाथ का सपोर्ट रखकर इस तरीके से चल लेती हूँ और मेरा हाथ गंदा नहीं होता। इस तरीके से आप देख सकते हो मैं अपना हाथ अपने पैर पर रखकर धीरे धीरे से चल लेती हूँ, और मैं आराम से स्लोली स्लोली चलूँगी, क्योंकि मेरे हाथ में जो जल है भगवान जी के लिए वो कहीं फैल ना जाए। तो देख सकते हो आप, मैं अंदर लॉबी तक आ गई हूँ, और जैसे मेरी दादी या कोई भी हो, कोई कह सकता है बेटा आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं, लाओ ये घंटी मैं वहाँ तक रख देता हूँ, आपकी सपोर्ट कर दे, मतलब हेल्प कर देता हूँ, मेरी हेल्प करने के लिए कहते हैं वो। बट मैं एक बार हेल्प ले सकती हूँ, दो बार हेल्प ले सकती हूँ, बार बार हेल्प भी कर सकते हैं, चलो कोई मना नहीं करेगा मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन जब मुझे हेल्प की आदत पड़ जाएगी और मेरे पास कोई रहेगा नहीं, बाई चांस सब अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, तो मैं क्या करूँगी, तब तो मुझे आदत हेल्प की हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम खुद ही कर सकूँ, क्योंकि मना कोई नहीं करता, सब हमारी हेल्प कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा एक मौका आता है जब खुद करने के लिए वो करना पड़ता है और हमसे वो होता नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सारे काम खुद ही करूँ। तो मैं पूजा तक पहुँच गई थी, पूजा मंदिर तक, अब मैं पूजा कर लेती हूँ, मिलती हूँ पूजा करने के बाद। तो इसी तरीके से मैं अपनी खुद हेल्प करती हूँ, ऐसी करती हूँ। प्लीज़ आप मुझे बेचारी फील ना कराएं, अच्छी अच्छी कमेंट करें। और ये है प्रसाद जो मॉर्निंग में मिठाई बनाई थी, सूजी का हलवा, ये प्रसाद अब मेरे हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। प्रसाद जब भी मैं पूजा करती हूँ तो प्रसाद मैं ही ले लेती हूँ, ये सबसे बेस्ट रहता है मेरे लिए। एंड ये है पानी जो तुलसी माता को दूंगी मैं, इसको भी मैं लेके जाऊँगी अभी छत पर, और तुलसी माता के पर दीपक जला दूंगी, इसलिए दीपक लेके चलती हूँ। घी लगा लेती हूँ, बत्ती भी ले लेती हूँ, और एक अगरबत्ती भी ले लेती हूँ। बाहर दादी है तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, अगर उन्हें पता चला। मैंने आप आई थिंक जो भी ब्लॉगर्स हैं यूट्यूबर्स हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो नहीं समझ सकते कि हम ये सब क्या कर रहे हैं। उनको समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम सिर्फ फ़ोन चला रहे हैं। एक सेकंड, शायद दादी मेरी तरफ ही आ रही हैं, तो मुझे उन्हें देखकर डर भी आप समझ रहे होंगे। मैं ज़रा स्पून से घी निकाल लेती हूँ। मेरी पूजा हो गई, आरती कर दी मैंने गणेश भगवान जी की, एंड मेरे जो मंत्र थे भगवान से आशीर्वाद ले लिया, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखे। और मुझे आवाज़ आ रही है, जो मेरी सिस्टर आई हुई है उसकी बेबी रो रही है, अब मैं उसके साथ खेलूंगी पूजा करने के बाद। वो नीचे ही आ रही है, आवाज़ आ गई मुझे, क्या हुआ, कैसे रो रही आरती? दीपक लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर जैसा मम्मी करती है सब कोई, क्योंकि हम बड़ों से घर में क्या होता है, हम जो बड़े करते हैं ना उनसे हम सब कुछ सीखते हैं, और थोड़ा बचपन में तो सेम टू सेम हम उनकी कॉपी करते हैं, पूजा हो या कुछ भी हो, तो जैसा वो करते हैं वैसे ही हम करते हैं। बड़े होकर हमें समझ हो जाती है कि हम भगवान से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, उनकी पूजा आराधना क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि और ये दीपक और जो बाती होती है वो तो घर में हमेशा जलती रहना चाहिए। घर में ना मैंने घी ले लिया और ये अगरबत्ती ले ली, ये अगरबत्ती और ये दिया ले लिया घी का और ये पानी। ये तीनों ही चीज़ मैं ऊपर छत पे लेके जाऊंगी और खुद से ही लेके जाऊंगी। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझ पर जरा सा भी ऐसा ना करें कि ये बेचारी बेचारी फील मुझे बिल्कुल भी ना करवाए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं सब वर्क करती हूँ तो इसमें कुछ नहीं है, करती हूँ तो करती हूँ, जैसी भी हूँ अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ ना, तो ये तो बड़ी बात है ना मेरे लिए। तो आप प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके मोटिवेट करें, ना कि मुझसे बेचारी फील मतलब बेचारी बोलकर, मुझे बेचारी जैसा फीलिंग नहीं देना है, अच्छे अच्छे फीलिंग। और सच में मैं एक बात बता देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ रही हूँ इस रूम में मैं, जैसी हूँ नहीं बट ऐसा मेरा फेस है नहीं इतना क्यूट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यूट आ रही हूँ। चलिए तो भगवान जी से अगेन फिर से आशीर्वाद ले लेती हूँ। मेरी पूजा कंप्लीट होने के बाद ही मैंने ब्लॉग मतलब वीडियो स्टार्ट की है, क्योंकि मैं पूजा के बीच में डिस्टर्ब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई करे, पढ़ाई और पूजा के बीच में तो डिस्टर्बेंस होना ही नहीं चाहिए। देन अब मैं जा रही हूँ सूर्य देवता को पानी देने एंड तुलसी माता को। तो पूजा होने के बाद मैं जा रही थी छत पर, तुलसी माता के लिए मैंने दीपक लिया था, अगरबत्ती ली थी और जल जो मुझे छत पर लेके जाना है। तो मेरी सिस्टर आ गई थी मेरी हेल्प करने कि चलो दीदी मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ। तो इस तरीके से मैं आराम से नीचे स्टूल से नीचे आती हूँ, देन उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से मुझे छत पर जाना है। मतलब ठीक है, अब मैं कर लेती हूँ सब वो। ये दुपट्टा संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि ये दुपट्टा बार बार फिसल रहा था। तो मैं रूम से बाहर निकल रही हूँ, आप देख सकते हो, और मैं ऐसे ही देखिए मेरे हाथ में ये तीन आइटम हैं और वो मैं सीढ़ियों से लेके जाऊंगी। बट ये है अभी तो मैंने हाथ में अच्छे से पकड़ रखा है, वो गिरने नहीं दूंगी, लेकिन सीढ़ियों से मुझे थोड़ा ऐसा दिक्कत हो रही थी किस तरीके से लेती हूँ मैं, आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे सीढ़ियों पर रखना पड़ता है। थोड़ी मुझे हेजिटेशन हो रही थी, भगवान कहीं नाराज़ तो नहीं होंगे मैं सीढ़ियों पर जल को रख रही हूँ क्योंकि सीधे मुझे लेके जाना है, लेकिन नहीं, मेरे मन में ऐसा आता है ख्याल, बट कोई नहीं, भगवान को सब दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत है इसीलिए तो मैं नीचे रख रही हूँ, वरना मैं रखती नहीं, हाथ में ही लेके जाती, क्योंकि पूजा का जो भी आइटम होता है हम वो नीचे नहीं रख सकते हैं ना, इसलिए मेरे मन में ख्याल आया। क्योंकि हमारे मन में जो बैठ जाता है ना पूजा के प्रति, मैं तो अब धीरे धीरे समझ रही हूँ कि भगवान हम सबको देखते हैं, पर छोटी छोटी बात, एक बार तो मैं रो गई थी आपको सच बताऊँ तो, किस बात पर, जब मैं छोटी थी, क्योंकि मैंने मम्मी पापा हमेशा उन्हें भक्ति करते हुए देखा है। एक बार मैंने व्रत में गलती से कुछ खा लिया था तो मुझे लगा भगवान मुझे ले जाएंगे, भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे। मतलब फिल्म में देखते थे हम, मूवीज़ वगैरह दिखाते थे, अच्छी अच्छी शिक्षाएँ रामायण महाभारत, तो उसमें यही मतलब ये दिखाया जाता था कि हमसे कोई गलती हो जाती है तो भगवान हमें श्राप देते हैं, पाप देते हैं, तो ऐसे ऐसे मन में ख्याल आ रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम बड़े होकर हम सब समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब पता होता है कौन किस सिचुएशन में है। तो आप देखिए हमारी तुलसी माता यहाँ बालकनी में रखी हुई है, थोड़ी दूर है क्योंकि बच्चे वगैरह उसे छेड़े ना, बच्चे होते हैं तो बच्चे छेड़ते रहते हैं, और वो पूजा का मंदिर ही होता है एक प्रकार का, तो इस वजह से इसे इस स्थान पर रखते हैं। मतलब तुलसी का पौधा ना बच्चों के छेड़ने की वजह से सूख जाता है, तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो मम्मी ने एक प्रॉपर जगह पे बना रख मतलब प्रॉपर जगह पे रख रखा है, या इसे प्रॉपरली धूप मिल जाती है, और ये रूम से एकदम बालकनी है तो वहीं रख दिया है, और यहीं पे आके मम्मी इनको जल चढ़ा देती है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे वो करती है। और इतना तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो समझ है किस तरह पूजा अर्चना करनी है। तो मेरी पूजा अर्चना यहाँ पर सम्पन्न हुई थी और मैंने उनसे बस आशीर्वाद ले लिया। हे तुलसी माता, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उन सबको सही सलामत रखना बस, और मुझे अपना मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखना। तुलसी माता की जय। तो मैंने उन्हें जल भी अर्पण करा दिया और मैं अगरबत्ती भी लगा दी, और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि अगर क्या है हम इंसान हैं तो इंसान से तो गलती होती है और इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे ही पता है मैं
कितनी मेहनत कर रही हूँ। कहने वाले तो कहेंगे कि वीडियो बनाने का शौक है, बट आई नो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाना भी, लेकिन ये जो लॉन्ग वीडियो होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, इनमें काफ़ी मेहनत होती है। तो शायद जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको मेरी मेहनत दिख रही होगी। अगर आप भी मुझे मेरी वीडियोस, मेरी शॉर्ट्स अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं अगेन बोल रही हूँ, तो अब जा रही हूँ, थोड़ा सा पानी है वो सूर्य को पानी लगाऊंगी, सूर्य देवता को सूर्य अर्पण करूंगी, उन्हें जल सूर्य नमस्कार भी करूंगी। थोड़ा ऐसे ही एक्साइट हो जाती हूँ और बोलते बोलते चुप भी हो जाती हूँ, बट अब ठीक है। हैप्पी एंडिंग। ओके, राधे राधे।